एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। पटना हाई कोर्ट की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये ग्रुप बी का जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 36 वैकेंसी है। इसमें अपीयरेंस लिमिट है 35 इयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.patnahighcourt.gov.in। अब इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 1100 रुपीज। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 550 रुपीज। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें पूरे डिटेल में बता दिए हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 28 अगस्त 2023 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 18 सितंबर 2023। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 20 सितंबर 2023। इसका एग्जामिनेशन डेट बता दिया जाएगा, उसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in। इसमें टोटल 36 पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। ये ग्रुप बी का जॉब है। इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 7 का। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 15 पोस्ट है। इसमें 5 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। एससी में टोटल 6 वैकेंसी है। 2 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। एसटी में 1 पोस्ट है। ईबीसी में टोटल 7 पोस्ट है। 2 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। बीसी में टोटल 4 पोस्ट है। 1 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। ईडब्ल्यूएच में टोटल 3 पोस्ट है। 1 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। तो टोटल इसमें 36 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। पार्ट ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। पार्ट बी में है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। पार्ट सी में है शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। और उसके बाद होगा शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मेन। उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%। एग्जामिनेशन सेंटर भी बता दिए है। एग्जामिनेशन सेंटर है पटना। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी बता दिए है। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।